नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। धान और गेहूं की अधिप्राप्ति में पैक्स तथा व्यापार मंडलों ने किया 35 करोड़ रुपए से अधिक का गबन। 9 जिलों में 16 अभियुक्तों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव की टिप्पणी पर हंगामा। विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच हुई तीखी नोकझोंक। केंद्र सरकार ने कहा भारतीय जीवन बीमा निगम LIC का निजीकरण नहीं किया गया है। और राज्य में अब तक 13,95,000 से अधिक लोगों को कोविड का टीका लगाया गया। बुलेटिन की शुरुआत इस संकल्प के साथ, कोविड 19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। कोविड 19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। राज्य सरकार ने आज कहा कि प्रदेश के 9 जिलों में पैक्स और व्यापार मंडलों द्वारा धान और गेहूं की अधिप्राप्ति में 35,49,00,000 रुपए के गबन का मामला सामने आया है। विधानसभा में प्रभारी गृह मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने एक प्रश्न के जवाब में कहा कि गबन के सिलसिले में 38 मामले दर्ज किए गए हैं। 9 जिले गया, नालंदा, पूर्णिया, भोजपुर, बक्सर, सुपौल, कटिहार, बांका, विशेखपुरा से 38 कांडों का अद्यतन प्रतिवेदन पुलिस मुख्यालय को प्राप्त हुआ है। कुल 31 अभियुक्त आत्मसमर्पण कर जमानत पर मुक्त हैं। इन कांडों में कुल 16 अभियुक्त के विरुद्ध माननीय न्यायालय में आरोप पत्र समर्पित किया गया है। 4 अभियुक्त के विरुद्ध कुर्की जब्ती की कार्रवाई की गयी है। शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु लगातार छापेमारी की जा रही है। सदन में यह मामला राष्ट्रीय जनता दल के ललित कुमार यादव ने उठाया। उन्होंने कहा कि गड़बड़ी का यह मामला वर्ष 2011 से 2018 के बीच का है। उन्होंने सरकार से इस मामले की CBI से जांच कराने की मांग की है। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने आज कहा कि हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनाव के दौरान विभिन्न कार्यों के लिए ठेकेदारों और एजेंसियों को भुगतान से पहले बिल के सत्यापन कराने को कहा गया है। श्री चौधरी ने विधानसभा में कहा कि चुनाव संबंधी कार्यों से संबंधित बिल में जो गड़बड़ियां सामने आई हैं उसकी जांच कराई जा रही है। जांच के बाद ही पैसे का भुगतान किया जाएगा। सदन को हम बताना चाहते हैं कि जब तक इसकी पूरी जांच नहीं कर ली जाएगी, अभी तक 1 पैसे का भी भुगतान नहीं किया गया है और जांच में जो सही पाए जाएंगे उन्हीं का भुगतान हो। इसी तरह का निर्देश सरकार सभी जिलों को देगी कि पूरी जांच के बाद ही चुनाव से संबंधित किसी भी पत्र का भुगतान किया जाए। राजद के ललित कुमार यादव के एक प्रश्न के जवाब में मंत्री ने कहा कि पटना जिले में 42 करोड़ रुपए के बिल की विभिन्न प्रखंडों में जांच कराई जा रही है। जो 42 करोड़ का विपत्र पटना समाहरणालय में समर्पित किया गया है उसकी जांच 3-सदस्यीय समिति के द्वारा की गई है और फिर एक दूसरी जांच भी चल रही है जो अलग अलग प्रखंडों से जहां जहां केंद्रीय ये पैरामिलिट्री फोर्स का डेपुटेशन किया गया था संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारियों से भी इसका फिर से सत्यापन कराया जा रहा है, तभी भुगतान होगा और हम लोग और इसकी गहराई से जांच करा रहे हैं। विधानसभा में आज सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली। प्रश्नकाल के दौरान नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव द्वारा मंत्री प्रमोद कुमार पर की गई टिप्पणी से नाराज भाजपा के सदस्य अपनी सीट पर खड़े हो गए और कड़ी आपत्ति जताई। उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद और भाजपा सदस्य नंद किशोर यादव ने अध्यक्ष से कहा कि नेता प्रतिपक्ष को अपनी अशोभनीय टिप्पणी के लिए खेद प्रकट करना चाहिए। इस मुद्दे को लेकर काफी देर तक सदन में हंगामा होता रहा। बाद में अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा के हस्तक्षेप से स्थिति शांत हुई। श्री सिन्हा ने कहा कि सदन का संचालन नियमों के अनुरूप कराया जाएगा। उन्होंने सत्ता पक्ष के सदस्यों को आसन को निर्देश नहीं देने की भी नसीहत दी। CPI माले के सत्यदेव राम ने आज विधानसभा में सुपौल में एक ही परिवार के 5 लोगों की मृत्यु का मामला उठाया। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही श्री राम ने कहा कि आर्थिक तंगी के कारण परिवार के सदस्यों ने आत्महत्या कर ली है। उनका कहना था कि यह एक गंभीर मामला है।
कांग्रेस के विजय शंकर दुबे ने आज विधानसभा में महाराजगंज और भगवानपुर प्रखंड कार्यालय तथा थाना भवन के निर्माण की मांग की। श्री दुबे ने भवन निर्माण विभाग के बजट पर चर्चा के दौरान कटौती प्रस्ताव पर बोलते हुए यह मांग रखी। केंद्र सरकार ने आज कहा कि भारतीय जीवन बीमा निगम का निजीकरण नहीं किया गया है। लोकसभा में वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि सरकार निगम में पारदर्शिता लाने और इसका बेहतर मूल्यांकन करने के लिए आईपीओ लाने की योजना बना रही है। एलआईसी का कोई निजीकरण नहीं किया जा रहा है, आईपीओ लाने की बात की जा रही है। मार्केट में उसकी वैल्यू और बढ़े, ज्यादा लोग उसमें निवेश कर सके, उसकी वैल्यूएशन हो सके। 2013 का उस समय की सरकार ने जो कहा था कि जो कुल सरप्लस आता है उसका 95% जो है वो शेयर धारकों को वापस जाएगा, जो वापस 5% वो केंद्र सरकार के पास आता। इसी तरह 19-20 में 53,954 करोड़ रुपया टोटल सरप्लस था, उसमें से 51,257 करोड़ रुपया जो है ये शेयर धारकों को, पॉलिसी होल्डर्स को गया, और जो वापस सरप्लस था वो केंद्र सरकार को आया है। इसमें से ना किसी की नौकरी जा रही है, बल्कि एलआईसी की मार्केट कैप बढ़ेगी, उसमें इन्वेस्टमेंट ज्यादा आएंगी, कुल मिलाकर एलआईसी और देश और खाताधारकों को लाभ मिलने वाला है। राज्य में शराबबंदी के मुद्दे पर पक्ष और विपक्ष के बीच कई विषयों पर अंतर विरोध बना हुआ है। विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में आज हुई सर्वदलीय बैठक में भी पूर्ण सहमति नहीं बन सकी। विपक्षी दलों ने कहा कि बैठक में बातचीत सकारात्मक हुई लेकिन कोई नतीजा नहीं निकल सका। विपक्ष ने जहां इस मुद्दे पर सदन में चर्चा कराने की मांग की, वहीं सत्ता पक्ष ने इस मांग को खारिज कर दिया। गौरतलब है कि राज्य के राजस्व और भूमि सुधार मंत्री रामसूरत कुमार के परिवार के सदस्य की जमीन पर बने स्कूल में शराब मिलने के मामले को विपक्ष पुरजोर तरीके से सदन में उठा रहा है। विपक्ष ने मंत्री के इस्तीफे की भी मांग की है। सदन में बने इस गतिरोध को समाप्त करने के लिए विधानसभा अध्यक्ष ने यह बैठक बुलाई थी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। प्रदेश में अब तक 13,95,219 लोगों को कोविड के टीके दिए जा चुके हैं। इसमें 10,93,591 लोगों को टीके की पहली डोज जबकि 3,01,661 लोगों को दूसरी डोज दी गई है। वहीं देश भर में अब तक लगभग 3 करोड़ लोगों को कोविड का टीका लगाया जा चुका है। केंद्र सरकार ने कोविड से मरने वाले पत्रकारों के परिवारों को 5-5 लाख रुपए की वित्तीय सहायता की मंजूरी दी है। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने आज लोकसभा में बताया कि उनके मंत्रालय ने पत्रकार कल्याण योजना के तहत वित्तीय सहायता के लिए एक विशेष अभियान चलाया है। उन्होंने कहा कि मंत्रालय ने 22 अप्रैल 2020 को जारी दिशा निर्देश में सभी मीडिया कर्मियों को स्वास्थ्य संबंधी एहतियात बरतने की सलाह दी थी और मीडिया समूहों से अनुरोध किया गया था कि वे अपने फील्ड स्टाफ के साथ साथ ऑफिस स्टाफ की भी समुचित देखभाल करें। सूचना मंत्री ने कहा कि देश में कोविड महामारी की रोकथाम के लिए दिशा निर्देश जारी करते हुए गृह मंत्रालय ने वाणिज्यिक और निजी प्रतिष्ठानों में प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया संस्थानों को इससे मुक्त रखा था। केंद्र सरकार ने आज कहा कि कोविड महामारी के दौरान 27 लाख शिक्षकों को प्रशिक्षित किया गया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने लोकसभा में बताया कि लगभग 30 लाख शिक्षकों ने प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए पंजीकरण कराया था। एक अन्य प्रश्न के उत्तर में श्री निशंक ने कहा कि जो कॉलेज बीएड कार्यक्रम के मापदंड पूरे नहीं कर रहे हैं उन पर कार्रवाई की जा रही है। जो राष्ट्रीय अध्यापक प्रशिक्षण काउंसिल है उसने जो मानक उनको थोड़ा सा कड़ाई से किया है, तो मैं कहना चाहता हूं कि यदि वो सभी मानकों पर खरा उतरता है तो उसको निश्चित रूप से मान्यता है। हालांकि नई शिक्षा नीति के तहत अब 4 वर्षीय बीएड कोर्स होगा, अब इंटर करने के बाद बीएससी बीएड, बीकॉम बीएड या बीएड बीएड होगा। शिक्षा मंत्री ने बताया कि पिछले कुछ वर्षों में 1,60,64,000 शिक्षकों को प्रशिक्षित किया गया है और सरकार ने इस कार्यक्रम के लिए 2,500 करोड़ रूपए वितरित किए हैं। कोरोना काल में भी हमने ऑनलाइन प्रशिक्षण करवाया और लगभग 27 लाख अध्यापकों को हमने प्रशिक्षित किया, जबकि 30 लाख से भी अधिक अध्यापकों की अभी रजिस्ट्रेशन है और ये हमारी अनवरत प्रक्रिया है। तो इसलिए जो निष्ठा है वो सभी राज्यों को, इवन पिछले 18, 19, 20 और 21 का यदि मैं कहूँ तो 1,07,64,000 से भी अधिक अध्यापकों को प्रशिक्षित किया, जिन्हें 2,500 करोड़ रुपया भारत सरकार ने राज्यों को दिया है केवल अध्यापकों के प्रशिक्षण। प्रदेश भर में सार्वजनिक और व्यावसायिक वाहनों में अश्लील गीत बजाने पर अब कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
परिवहन आयुक्त की अध्यक्षता में आज हुई राज्य परिवहन प्राधिकार की बैठक में यह निर्णय लिया गया। परिवहन आयुक्त ने कहा कि दोषी वाहन चालकों का परमिट भी रद्द किया जायेगा। सभी जिलों के आला अधिकारियों के साथ ही जिला परिवहन पदाधिकारियों को इस संबंध में निर्देश जारी किये गये हैं। रेलवे ने होली के अवसर पर यात्रियों की बढ़ती भीड़ के मद्देनजर कई विशेष रेलगाड़ियां चलाने का निर्णय किया है। इनमें 29 विशेष ट्रेनें पूर्व मध्य रेलवे के तहत चलाई जाएंगी। पूर्व मध्य रेल के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि इन ट्रेनों का परिचालन 20 मार्च से 10 अप्रैल तक किया जाएगा। श्री कुमार ने बताया कि जल्द ही विस्तृत समय सारणी जारी की जाएगी, जिसके आधार पर यात्री अपना आरक्षण करा सकेंगे। देश भर के इंजीनियरिंग कॉलेजों में नामांकन के लिए आयोजित होने वाली जेईई मुख्य परीक्षा कल से शुरू हो रही है। परीक्षा का आयोजन कर रही नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने इस संबंध में दिशा निर्देश जारी किए हैं। दिशा निर्देश के अनुसार परीक्षार्थियों को अनिवार्य रूप से प्रवेश पत्र के साथ अपना एक पहचान पत्र भी केंद्र पर ले जाना होगा। इसके साथ ही परीक्षा प्रारंभ होने के 2 घंटे पहले केंद्र पर अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी। वहीं मोटे तलवे वाले जूते तथा बड़े बटन वाले कपड़े पहनकर आने की अनुमति नहीं दी गई है। प्रदेश भर में फिर से गर्मी का प्रकोप बढ़ने लगा है। अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी देखी जा रही है। मौसम वैज्ञानिक अमित सिन्हा ने बताया कि आने वाले समय में पश्चिमी विक्षोभ का असर कम होने से राज्य में गर्मी बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे प्री मॉनसून सीजन आगे की तरफ अग्रसर होगा, वैसे वैसे इसका प्रभाव भारतीय भू क्षेत्र पर कमता जाएगा, जिसके परिणाम स्वरूप गर्म एवं शुष्क पश्चिमी हवाओं का प्रवाह भारत के मैदानी क्षेत्रों पर अधिक रहेगा। परिणामतः बिहार के सभी क्षेत्रों में अधिकतम तापमान में क्रमशः उत्तरोत्तर वृद्धि होती रहेगी। भागलपुर और बक्सर आज राज्य के सबसे गर्म स्थान रहे, जहां का अधिकतम तापमान 32.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। कटिहार जिले के मनिहारी में पुलिस ने अवैध खनन और ओवरलोडिंग के मामले में 10 ट्रकों को जब्त कर लिया। शेखपुरा जिले में सिरारी पुलिस चौकी क्षेत्र के दरियापुर गांव से पुलिस ने एक युवक को एक देसी राइफल और एक देसी पिस्तौल के साथ गिरफ्तार किया है। शिवहर जिले में पुलिस ने हथियार के साथ 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। अपराधियों के पास से लूट की 2 मोटरसाइकिल और 2 पिस्तौल बरामद किए गए हैं। पश्चिम चंपारण बेतिया के बरबत सेना में अज्ञात अपराधियों ने एक होटल व्यवसायी के घर में घुसकर चाकू से गोदकर व्यवसायी सुखदेव शर्मा की हत्या कर दी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। धान और गेहूं की अधिप्राप्ति में पैक्स तथा व्यापार मंडलों ने किया 35 करोड़ रुपए से अधिक का गबन। 9 जिलों में 16 अभियुक्तों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव की टिप्पणी पर हंगामा। विपक्ष और सत्तापक्ष के बीच हुई तीखी नोकझोंक। केंद्र सरकार ने कहा भारतीय जीवन बीमा निगम LIC का निजीकरण नहीं किया गया है। और राज्य में अब तक 13,95,000 से अधिक लोगों को कोविड का टीका लगाया गया। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें।